हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं केबल लक्स के बारे में। ठीक है, केबल लक्स कितने तरह का होता है, कहाँ यूज करते हैं और इसका प्रॉपर टूल्स क्या है। ठीक है दोस्त, जो कि इस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केबल लक्स अलग अलग साइजों का होता है और उसका टूल्स कौन सा कहाँ पे यूज करें, इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बताते चलो, केबल लक्स बहुत तरह का होता है, लेकिन डेली यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल में हम 8 तरह का केबल लक्स के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, इसका टूल्स क्या लगेगा और कहाँ पे यूज होता है, तो प्रॉपर तरीका क्या है इसका यूज करने का, तो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे पहला नंबर है रिंग टाइप और पिन टाइप, यू टाइप, आई टाइप, ओ टाइप और स्पेन टाइप और इंसुलेशन टाइप और अनइंसुलेटेड टाइप का हम लक्स के बारे में जानेंगे। आइए जान लेते हैं रिंग टाइप लक्स क्या है और ये कहाँ पे यूज होता है। दोस्तों, ये रिंग टाइप लक्स कॉपर और एल्युमिनियम में अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है ना, ये टर्मिनल लक्स बोलेंगे तो मिल जाएगा। ये जो लक्स जो है, इसको हम ज़्यादातर केबल्स में यूज करते हैं, जो कि मिनिमम 6 square mm से लेकर 600 square mm केबल में इसको हम यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि इससे कम का केबल्स में कौन सा लक्स यूज करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे है कॉपर एंड एल्युमिनियम विथ इंसुलेटेड वायर लक्स जो है, ये जो है 0.5 mm से लेकर 6 mm तक, यानी 6 mm तक मैक्सिमम यूज कर सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक्स पैनलों में। दोस्तों, जब भी आप केबल लक्स लगाने जाएं तो आप क्लिंपर टूल्स का यूज करें, क्योंकि हर एक साइज का इस क्लिंपर टूल्स में आपका अवेलेबल रहता है, हर एक साइज केबल का। तो आप प्रॉपर तरीका से, आप देख रहे हैं जो इस वीडियो में, सेम आप ऐसे ही यूज करें। दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको बताते चलूँ, जो कि हर एक इलेक्ट्रीशियन से गलती एक ना एक बार जरूर होता है। दोस्तों, आप जब पैनल टर्मिनेशन करने जाते हैं, उस समय केबल जब कटिंग करते हैं तो बहुत बार सुनने को मिलता है छोटा हो गया केबल। ठीक है, हमने अच्छा मेजरिंग किया, छोटा कैसे हो गया। तो दोस्तों, आप जब भी केबल को कटिंग करें तो लक्स को बस बार में टाइट कर दे, पहले ऐसे खाली टाइट करके वहाँ पे केबल बिल्कुल टच करके और उसके बराबर रख के कटिंग करेंगे तो कभी भी छोटा नहीं होगा। आप एक बार टर्मिनेशन करने जा रहे हैं तो इसे जरूर ट्राई करें। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है दोस्त, यहाँ पर हम लोग जानेंगे 4 तरह का लक्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे पिन टाइप, आई टाइप, यू टाइप और ओ टाइप लक्स के बारे में जानेंगे, जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल में ज़्यादातर यूज होता है। ये अलग अलग साइज का आता है, इसका अलग अलग साइज, बहुत साइज आता है, छोटा बड़ा बहुत साइज आता है। ठीक है ना, इंसुलेटेड टाइप रहता है, अनइंसुलेटेड टाइप रहता है। ठीक है ना, तो जो लक्स है, जो आईटी पैनल, टेलीकॉम पैनल, आरटीयू पैनल में ज़्यादा यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलो, जब भी वायर को आप क्रिम्पिंग करें तो प्रॉपर टूल्स का यूज करें, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये अलग अलग साइज का इसमें क्रिम्पिंग टूल्स में आता है, तो आप क्रिम्पिंग टूल्स का ही यूज करें तो अच्छा रहेगा। अब हम लोग जानेंगे स्पेन कनेक्टर लक्स। दोस्तों, ये लक्स जो है मेल और फीमेल में आता है। ठीक है दोस्त, ये ज़्यादातर आप देखेंगे तो आईटी वाले के पास, टेलीकॉम वाले के पास ये ज़रूर कनेक्टर रहता है, क्योंकि जो भी डिवाइस अगर लगाते हैं पैनल्स में, अगर ख़राब हो जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम कटिंग केबल नहीं करते, इसको मेल फीमेल लगा के वहाँ से हम इजिली रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसको। ज़्यादातर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिशियन के पास ये ज़्यादातर रहता है। ठीक है दोस्त, अभी कभी भी देखते हैं कि बैटरी में भी ये लगा रहता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे आईटी, टेलीकॉम, आरटीयू पैनल, ये सारे चीज़ों में ये लगा रहता है। अगर इसको क्लिंपिंग करना है तो 3 स्टेप में क्लिंप होता है। ये क्लिंपर देखिए, प्रॉपर आप कभी भी क्लिंपर को यूज करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इंसुलेशन निकाल कर, और यहाँ पर एक स्टेप में कैसे क्लिंप कर रहा है, फिर दूसरा स्टेप आप देखेंगे, ऐसे ही आप भी कभी भी बारीकी से करें। देखिए, एक स्टेप क्लियर हो गया, दूसरा स्टेप जो है ना इंसुलेशन पे रखे उसके केबल का। ठीक है, वायर के इंसुलेशन पे रखे, क्योंकि कभी भी खींचे इसको, कभी भी जोड़ पड़ेगा तो ये निकलेगा नहीं। ठीक है, ऐसे करके आप क्रिपिंग कर लें। तो कभी भी आप जब भी ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप केबल को लक्स लगा रहे हैं तो आप टूल्स का ही यूज करें। ओके दोस्त, अब हम लोग जान लेते हैं इंसुलेटेड टाइप लक्स और अनइंसुलेटेड टाइप लक्स किसे कहते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे जो देख रहे हैं, केबल में जब हम लक्स लगाते हैं उसके ऊपर हम एक स्लीव लगाते हैं। ठीक है, हीट स्ट्रिंग जो बोलते हैं उसके ऊपर एक लगाते हैं, इंसुलेशन चढ़ाते हैं। ठीक है, और उसको ब्लोअर से हीट करके उसको क्लिप कर देते हैं। ठीक है, तो उसको इंसुलेटेड टाइप बोलते हैं। अनइंसुलेटेड टाइप जिसपे नहीं लगा रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट में केबल को छीलकर आप लक्स लगा दिए, दूसरे में क्रिम्पिंग कर दिए, तीसरे इमेज में देख रहे हैं आप तो उसके ऊपर हीट स्ट्रिंग लगाकर, चौथे में आप
हीट कर दिए, ठीक है दोस्त। इसको हम इंसुलेटेड टाइप बोलते हैं, और इसके ऊपर अगर इंसुलेटर नहीं चढ़ा रहे हैं, इंसुलेशन नहीं चढ़ा रहे हैं, उसे अन इंसुलेटेड उसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर टूल्स क्या लगेगा, कटर लगेगा, क्रिम्पिंग टूल्स लगेगा, ठीक है दोस्त। दोस्तों आपको यहाँ पे जानना है कि ये लक्स लगता कहाँ है। दोस्तों आपको देखेंगे पैनलों में बस बार लगा रहता है, उसमें ये लक्स जो है ना हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है दोस्त। केबल को कनेक्ट करने के लिए ये लक्स को यूज करते हैं, क्यों, फ्यूचर में अगर लूज ना हो, अगर शॉर्ट सर्किट हो तो ये मसला ना हो। इसके लिए आप देख रहे हैं इस इमेज में ऐसे सेम लक्स लगाकर हम नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। ओके दोस्त, दोस्त आपको बता दूं हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, अगर हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रैक्टिकल हम वीडियो लाते रहते हैं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।